आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है, श्याम एक कुर्सी को 400 रुपए में खरीदा और 650 रुपए में बेच दिया तो लाभ प्रतिशत होगा। तो हम देखते हैं कि हमारा क्रय मूल्य जो है 400 रुपए है और विक्रय मूल्य हमारा 600 रुपए है। तो हम लिख लेते हैं, हमारा क्रय मूल्य जो है 400 रुपए है और विक्रय मूल्य हमारा 650 रुपए है। हम देखते हैं कि हमारा जो विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य से ज़्यादा है, इसका मतलब हमें लाभ हो रहा है। तो हम लाभ निकाल लेंगे। लाभ बराबर, लाभ जो होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य होता है। तो यहाँ से हमारा लाभ निकल के आएगा, विक्रय मूल्य हमारा 650 रुपए है, ऋण 400 रुपए। तो हमारा जो लाभ निकल के आएगा, 650 में 400 हम घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 250 रुपए। तो हम देखते हैं हमारा लाभ जो है 250 रुपए आ गया। अब हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत जो होता है ये होता है प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो ये हो जाएगा हमारा लाभ, हमारा 250, क्रय मूल्य हमारा 400 गुणे 100। ये जीरो से ये जीरो हमारा कट गया। हम देखते हैं 8 × 5 = 40, 5 × 25। तो ये हो जाएगा हमारा 5/8 गुणे 100। तो ये हो जाएगा हमारा 0.625 गुणे 100। चूँकि हमें ऑप्शन में विकल्प में 100 का गुणा नहीं किया गया है, तो हम भी यहाँ पे विकल्प में 100 का गुणा नहीं करेंगे। तो हम इसको देखकर विकल्प का मिलान करेंगे। तो हम देखते हैं कि कौन सा हमारा विकल्प सही विकल्प है। तो हम देखते हैं 0.625 विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।